गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू एक्सरसाइज 6.1। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट सम कंप्लीट कर लिया था इसका, आज हम सेकंड सम से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट एंड आवर स्टेटमेंट इज राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, पहले पांच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन है इनके पहले पांच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते क्या हैं, द फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल, जो होल के सेम पार्ट को शो करते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका एक मेथड होता है, बहुत इजी मेथड है, मैं आपको एक सम करवा रही हूँ, ध्यान से समझना, फिर आपको आपके बाकी सारे सम्स भी अच्छे से हो जाएंगे। देखिए क्या मेथड है इसका, हम क्या करते हैं इसमें स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर से, सेम नंबर से। रूल बताया था मैंने, नोट था कि हम किसी भी फ्रैक्शन के जितने भी चाहें उतने ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी कैसे, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। अब देखिए हम फर्स्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 9/11 मल्टीप्लाई बाई टू, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई। अब हमने 1 से क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर 1 से करते तो सेम ही रहता, 9/11 ही रहता है, इसलिए हमने अगला फाइंड आउट किया है नेक्स्ट। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 18/22। ओके स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया, सेकेंड निकालते हैं आप सिमिलरली, 9/11 है, अब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर करेंगे 3 से, न्यूमरेटर को भी डेनोमिनेटर को भी, 9 × 3 = 27, ये मल्टीप्लिकेशन वाला केस है स्टूडेंट्स। ओके, अब फर्स्ट इक्विवेलेंट ये निकल गया, सेकंड ये निकल गया, अब फाइंड आउट करते हैं हम थर्ड, 9/11 × 4 × 4, इट मीन्स न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को भी 4 से, 9 × 4 = 36 एंड 11 × 4 = 44। ओके, सिमिलरली फोर्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे हम, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बस इसी तरीके से करना है, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, सेकेंड में 3 से, थर्ड में 4th से, और 4th में 5 से, और जब हमने 5th इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमने कॉन्टीन्यूटी में ही करना है, 2, 3, 4, 5, 6 से किसी से भी कर सकते हैं। अगर आप 9 को भी 100 से, 11 को भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो भी आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही होगा। ओके, तो आपने 1, 2, 3, 4, 5 पांच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर दिए। लास्ट में क्या लिखेंगे, सो 11/22, 18/22, 27/33, 36/44, 45/55 and 54/66 आर इक्विवेलेंट टू 9/11। तो ये पांचों के पांचों फ्रैक्शंस क्या हैं, 9/11 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इसी तरीके से आपने सभी पार्ट्स करने हैं स्टूडेंट्स। बी पार्ट कैसे करेंगे आप, 4/5 गिवन है, 4 को 2 से, 5 को भी 2 से, न्यूमरेटर को भी 2 से, डेनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8, 5 × 2 = 10, 8/10, सेकेंड के लिए 3/3 से, थर्ड के लिए 4/4 से, फोर्थ फाइंड आउट करना है तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। जो भी आंसर्स आपके आएंगे, दीज आंसर्स, ये आपके होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, 4/5 के, और भी बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम, इसने 5 पूछे थे इसलिए हमने 5 ही फाइंड आउट किए हैं। सो 8/10, 12/15, 16/20,
20/25, 24/30 आर इक्विवेलेंट टू 4/5। इस तरीके से आपने करना है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, प्रैक्टिस करनी है आपने। अब नाउ सी पार्ट, 5/13 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं हमने। अब इसको भी सिमिलरली ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, जो भी आंसर्स हमारे आएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। 5 2 10, 13 2 26। सिमिलरली आप ये भी कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, सो 10/26, 15/39, 20/52, 25/65 एंड 30/78 आर इक्विवेलेंट टू 5/13। ये सभी के सभी 5/13 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। आपको जितने भी पूछे जाते हैं इसी अकॉर्डिंग आपने प्रोसीड करना है स्टूडेंट्स। ओके, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 2 3 4 5 6 से ही करना है, आप 50 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बट ध्यान रखना न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है आपने। जैसे यहाँ पे 4 से किया तो यहाँ पर भी 4 से ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डी ई और एफ पार्ट भी सिमिलरली आप खुद कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड सम करते हैं हम। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर लोवेस्ट टर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म्स। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताई थी, ऐसी फॉर्म जिसमें न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं होता है 1 को छोड़कर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर का और डेनोमिनेटर का HCF फाइंड आउट करते हैं। और HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको एक बार थर्ड चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। वहाँ पर हमने HCF का मेथड किया था, डिवीज़न मेथड कर लेते हैं हम, ईजी होता है ये मेथड। देखिए कैसे प्रोसीड करेंगे, मैंने आपको बताया था पहले भी लास्ट वीडियो में। अब हम इसको बहुत प्रॉपरली करते हैं, जैसे आपने नोटबुक में करना है। ये सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, फर्स्टली वी विल फाइंड HCF ऑफ 250 एंड 360। जो न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हैं उनका सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। ओके, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, डिवीज़न मेथड। आपको जो मेथड सुटेबल लगे वो मेथड आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिवीज़न मेथड किया है। देखिए क्या होता है डिवीज़न मेथड में, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करेंगे इस तरीके से। 250 हमने यहाँ पर लिख लिया और 360 इधर लिख लिया। अब कितने पे जाएगा ये, 1 पे। बहुत इजी मेथड है, ध्यान से समझना। अब सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 110 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहाँ पर एक डिवीज़न का सिंबल डालेंगे आप, और ये जो 250 यहाँ पर डिवाइज़र था, अब ये क्या बन जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये। अब ये 2 पे जाएगा, 220। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे, 30 आ गया। अब क्या होगा, ये जो 110 डिवाइज़र था ये अब डिवाइडेंड बन जाएगा। 30 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 110 को, ये जाएगा 3 पे, 20 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये 30 यहाँ पर आ जाएगा, 20 1 जा 20। आपने डिवीज़न अच्छे से परफॉर्म करनी है, अगर ये स्टेप रॉन्ग हो गया तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो सकता है। 20 आ गया, 20 इस टाइम क्या बन गया, डिवाइडेंड बन गया। अब आपने क्या करना है, 10 से 20 को डिवाइड करना है, 2 पे जाएगा ये, 10 2 जा 20। जब तक 0 नहीं आता आपने ये प्रोसीड करते जाना है, और लास्ट टाइम आखिरी बार जिसने जिससे आपने डिवाइड किया है, ये 10 है, लास्ट टाइम आपने किससे डिवाइड किया, 10 से। डिवाइज़र कौन है, आखिरी बार हमारा 10 है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा HCF हो जाएगा। तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10। हम सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, मेथड क्या है हमारा, सबसे पहले न्यूमरेटर का और डेनोमिनेटर का HCF फाइंड आउट करेंगे, फिर न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को इस आंसर से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, HCF 10 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे आप, 250 डिवाइडेड बाय 360, इसके न्यूमरेटर को भी 10 से डिवाइड, डेनोमिनेटर को भी 10 से डिवाइड।
जब आप 10 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 25 बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो ये 36 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। एक पार्ट और करवा देती हूँ और क्लियर हो जाएगा आपको। बी पार्ट 175/325 गिवन है, आपने इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मेथड क्या है हमारा, सबसे पहले हम एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे। फर्स्टली वी विल फाइंड द एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस डू बाई डिवीजन मेथड। 175 है यहाँ पर, 325 को छोटे वाले नंबर से बड़े वाले को डिवाइड करना है। ये 1 पे जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 एंड 2 में से 1 गया 1। उसके बाद डिवाइडेंट कौन बन जाएगा, 175 बन जाएगा, 1 पे जाएगा ये सबसे पहले, 150 आ गया यहाँ पर, 25 बचा। अब इस 25 से आपने किसको डिवाइड करना है, 150 को, ये जाएगा आपका 6 पर। जब तक जीरो नहीं आता आपने ये प्रोसीड करते जाना है। लास्ट डिवाइजर कौन है, 25, तो एच सी एफ भी आपका कितना हो गया, 25। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी आप किससे डिवाइड करेंगे, जो आपका एच सी एफ आया है, 25 आया है। अब 25 की टेबल आपने लर्न कर ली होगी, नहीं लर्न की है तो डिवाइड करके देख लेना। ये 25 7 जा पे जाएगा और ये जाएगा आपका 25 1 जा एंड 3 जा, 7/13 विल बी योर आंसर ऑफ दिस सम। स्टूडेंट्स एक मेथड और है इन सम्स को करने का, कैंसिलेशन मेथड। वो बहुत शॉर्ट मेथड है, नोटबुक में आपने यही वाला मेथड करना है। देखिए मैं बताती हूँ आपको वो वाला मेथड भी। अगर आपके पास 175 डिवाइडेड बाई 325 है, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जो इन दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी, कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। अब देखिए हमने कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट किए थे थर्ड चैप्टर में, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमें इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड करने वाला सिंगल नंबर फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए इन दोनों के लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिवाइड तो होंगे ही दोनों, 5 से डिवाइड कर देते हैं हम। देखिए 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25, और नीचे वाले को भी किससे डिवाइड, 5 से ही, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25। अब फिर से ये दोनों 5 से हो जाएंगे, 5 7 जा एंड 5 13 जा। तो आप कैंसिलेशन के स्टेप्स होते हैं कई सारे, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर आप जल्दी जल्दी में करना चाहते हैं, अगर आपको बहुत इंस्टेंट आंसर देना है तो। बट आपने नोटबुक में जो मेथड मैंने करवाया वही करना है। ये कैंसिलेशन मेथड से मैंने आपको बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, और ये था हमारा डिवीज़न मेथड से बताया एच सी एफ फाइंड आउट करके। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने करना है। और सी पार्ट करवा देती हूँ मैं आपको। 220/750 गिवन है, सिमिलर मेथड से आपने करना है। फर्स्टली वी विल फाइंड द एच सी एफ ऑफ 220 एंड 750। इस मेथड से आप कर लेंगे स्टूडेंट्स, ये मैंने कैलकुलेट कर रखा है। ओके नाउ जब एच सी एफ हमारा आ जाएगा 10, लास्ट टाइम किससे डिवाइड किया आपने, 10 से। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है। 220/750 है, जब 10 से दोनों को डिवाइड करोगे तो 22/75 आ जाएगा ये। सो 220/750 इज इक्वल टू 22/75। अगर कैंसिलेशन मेथड से कर रहे थे तो हम देखिए दोनों के दोनों 10 से डिवाइड हो रहे थे, या फिर 0 से 0 कैंसिल कर सकते थे हम, फिर भी हमारा आंसर 22/75 ही आता। नेक्स्ट डी पार्ट भी सिमिलरली कर रहे हैं आपने स्टूडेंट्स। 820 और 1600 गिवन है आपको। सबसे पहले एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे आप डिवीज़न मेथड का यूज़ करके। ओके, डिवीज़न मेथड है, बहुत ईजी है। देखिए ये स्टेप एक बार मैं बताती हूँ आपको। 40 से आपने 780 को डिवाइड करना था, 40
पहले ये वन पे गया, 40 आ गया, जब तक ये ज़ीरो नीचे नहीं आएगी स्टूडेंट्स, आप इसको डिवाइडेंड में नहीं लेकर आएंगे। पहले नाइन पे जाएगा, 360 आ गया, फिर 20 आया। अब सभी के सभी डिजिट्स आपने नीचे उतार लिए ना, अब आप क्या करेंगे, इस 40 को यहाँ पर लेकर आएंगे, फिर 22 जा, ये 40 आ जाएगा, उसके बाद 20 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। एक बार जीरो से जीरो कैंसिल कर देना, 82 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 160 डिवाइडेड बाई 2 41 बाई 80 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट 57 बाई 76 है, यहाँ पे एचसीएफ आपका 19 आएगा, 19 से डिवाइड कर देना। नेक्स्ट में भी बहुत सिमिलर स्टेप हैं स्टूडेंट्स, आपने ये बहुत ध्यान से करने हैं। कैलकुलेशन मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, मेथड मैंने आपको बता दिया है। 22 5 जा पे जाएगा, ये 110 11 आ गया, फिर ये 2 जा पे जाएगा, जब तक जीरो नहीं आता आपने प्रोसीड करना है। HCF 11 आ गया, ओके, फिर 11 से आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2/11 आ जाएगा। आपने प्रैक्टिस करनी है, मेथड मैंने आपको दोनों के दोनों सम्स का एक्सप्लेन कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट योर नोटबुक इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। थैंक यू।